नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन से मराठी नववर्ष का भी आरंभ हो जाता है। दक्षिण भारत के लोग इसे उगादी पर्व भी कहते हैं। ये नई फसल की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं कि गुड़ी पड़वा की पूजा विधि क्या है, गुड़ी पड़वा की पूजा में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर क्या होती है गुड़ी और गुड़ी पड़वा में क्यों बांधते हैं गुड़ी। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि गुड़ी पड़वा मनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुड़ी पड़वा का पूजा मुहूर्त सुबह 6:29 से 7:39 तक है। गुड़ी पड़वा के दिन घर की छत, आंगन या फिर मुख्य द्वार पर गुड़ी फहराया जाता है और मुख्य द्वार पर रंग बिरंगे रंगों से रंगोली सजाई जाती है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और भाग्य पर बल रहता है। मान्यता है कि इस दिन रंगोली मनाने से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती हैं। इसके साथ ही हल्दी और सिंदूर से मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाता है। महाराष्ट्र के घरों में इस दिन पूरन पोली नामक व्यंजन बनाया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि क्या होती है गुड़ी। इस दिन लोग गुड़ी की पूजा करते हैं। गुड़ी मुख्य रूप से विजय पताका का चिन्ह है। इसमें बांस या लकड़ी की छड़ी पर कोरी साड़ी लपेटकर इस पर तांबे का लोटा रखा जाता है। इसे नीम और आम की पत्तियों से सजाया जाता है और इस पर गाठी यानी कि पताशे की माला लपेट दी जाती है। ये शक्ति की देवी कुंडलिनी की कृपा दृष्टि की प्राप्ति के लिए भी लगाई जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।